After assuming power, the Aam Aadmi Party in Delhi has kept two of its promises from the campaign trail. The first was to provide free water, 700 litres of water for every family every day. And the second was to halve power rates. Now, the big test for them is tomorrow. That's when they have to prove their majority on the floor of the House. The new PWD, or Public Works Department Minister Manish Sisodia, spoke to Headlines today. Here's what he said. हम तो जो करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें किए जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है बहुत देर पहले बिजली पानी सस्ते उपलब्ध हो जाने चाहिए थे बहुत देर पहले सरकारों को ये सोच लेना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें उनकी जिम्मेदारियां हैं पर ठीक है देर आए सरकारें अब काम करेंगी लोगों के लिए काम करेंगी मनीष जितने आपने ट्रिक्स या जितने आपने चीज़ें सोची थी वो हो चुकी हैं या नए साल में पिटारे में और बहुत कुछ है देखिए पिटारा या ट्रिक्स की बात नहीं है लोगों की ज़रूरतें हैं और जो जिस वक्त लोगों की जरूरत हो सरकार को उस पर काम करना चाहिए बिजली पानी एक अहम जरूरत थी हमने पिछले साल इसको पूरा किया जितना जल्दी हो सकता था उतना पूरा किया अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और समस्याएं हैं अनऑथराइज कॉलोनीज का मुद्दा है झुग्गियों का मुद्दा है सर्दियों के बीच में रैन बसेरों का मुद्दा है रात को लोग परेशान हैं स्कूल के एडमिशन आने वाले हैं महंगी फीस डोनेशन स्कूल में एडमिशन नहीं मिलना ये सारे मुद्दे हैं इन पर तुरंत काम करने की जरूरत है और हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सकेगा हम चाहेंगे कि चीजें अच्छे तरह से पटरी पर आ जाएं मनीष विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है कोई स्ट्रेटेजी बनाई है किसी तरीके की क्योंकि बहुत कम मार्जिन होगा विश्वास मत हासिल करने के लिए भी एक दो वोट का ही फर्क होगा कोई स्ट्रेटेजी बनाई है उसके लिए नहीं हमारे पास तो 28 विधायक हैं और जो है वो है जो नहीं है वो नहीं है बाकी लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम इन मुद्दों पर जब काम कर रहे हैं तो वो हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे मनीष आप एक अगर वेब पर देखें तो एक मैसेज बहुत चल रहा है ट्विटर पर भी आजकल बहुत पॉपुलर है कि 1947 का कैलेंडर रिपीट हो रहा है साल 2014 में तो आपको लगता है कोइंसिडेंस है कि आप लोग भी लगातार कहते रहे आज़ादी की दूसरी लड़ाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई है हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसे समय में जब पहले लोग हम लोग भी नारा देते थे पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से तो शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा है और तारीखें खुद को दोहराने लगी हैं कुछ नया मनीष आजकल में कोई इस तरीके का आदेश आने वाला है जिस जो फिर से लोगों को और ज़्यादा खुशियां दे सकें लगातार आप लोगों की सरकार की तरफ से इस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं देखिए सारे मंत्री और अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं हम लोग सारी फाइलों को पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ क्या किए जाने की ज़रूरत है और जब जब संभव होगा हम तुरंत इसमें कोई देर नहीं लगाएंगे किसी खास मौके का इंतजार नहीं करेंगे जैसे ही कोई चीज तय हो जाएगी वैसे ही तुरंत उसको अनाउंस करके लागू करेंगे आप लोग हर दिन छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं आप लोग लगातार कैबिनेट कर रहे हैं क्या ये माने कि विधानसभा सत्र चल रहा होगा उस दौरान भी कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी आपकी अगर जरूरत पड़ी तो हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा है और अगर इस बीच किसी काम के लिए लगा कि अब कैबिनेट को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो उससे पहले विधानसभा का सत्र आधे दिन होता है तो आधे दिन में या सत्र के बाद के समय में कैबिनेट की बैठक हो सकती है